बठिंडा से भरने बाईपास बाईपास होते से भाई अभी कैंट एरिया है सारा बठिंडा का कैंट एरिया जो, और यहाँ से हम रामपुरा पुल दिखा रहा 27 संगरूर होके निकलना 93, उसके बाद पटियाला, पटियाला से अम्बाड़ा, अम्बाड़ा यहाँ से 218 किलोमीटर है, अम्बाड़ा से फिर निकलेंगे हम सहारनपुर यूपी में, फिर उसके बाद साइड में रुड़की आएगा, रुड़की के बाद सीधा हरिद्वार गंगा माँ का लाडला, जाते ही गंगा माता के चरणों में उनके पावन जल, पावक जल में, पावन जल में डुबकी लगाएंगे। पटियाला से थोड़ा पीछे हैं और करीबन करीबन हमने 140 किलोमीटर निकाल ली है, तो अब एक बार यहाँ पे चाय पीने के लिए रुके हैं, पीछे एक इधर बाबा है जो चाय पियेंगे वहाँ बनवा के, और यहाँ पे आप देख सकते हो इतना स्टोन टाइगर चल रहा है, इसका लुक दिखा देता हूँ, भाई है भाई की बाइक है, भाई की भाई का बुलेट खड़ा है, देवता हमारे निकल गए हैं और इनका आशीर्वाद लेके हम आगे बढ़ रहे हैं। जय हो सूर्य देवताय नमः, जय हो सूर्य देवताय नमः। इतना अच्छा सुबह सुबह का मौसम लग रहा है, ऐसा एक नंबर का मौसम लग रहा है। ये रोड है यहाँ के, रोड भी एक नंबर फर्स्ट क्लास रोड बने हुए हैं पंजाब में भी, हाईवे टू हाईवे निकलना है, कहीं इधर उधर जाना ही नहीं हमें। हमारा
हम अभी फिलहाल अम्बाड़ा पहुँच गए हैं और 10:30 का टाइम हो गया। 10:30 बजे हम अम्बाड़ा पहुँच गए हैं और ये देखो अम्बाड़ा में जब एंट्री करते हैं तो ये इतना अच्छा जो बीच में संघ का निशान है और ये धनुष जो हमारे श्री राम की पहचान ये बना हुआ है, देखो आप क्या अल्टीमेट नज़ारा लग रहा है इसका। ये बिल्कुल पूरे रोड के ऊपर दोनों साइड के ऊपर बना हुआ है। अब हम आगे चलते हैं। अभी भाई रास्ते में रुके हैं, सहारनपुर रोड पे रुके हैं। अभी यहाँ से दिखा रहा है यमुनानगर 32 किलोमीटर, हरिद्वार 145, रुड़की 115, और ये यहाँ पे वैष्णो ढाबा है, यहाँ पे खाना खाने के लिए रुके हैं। ये अच्छी फैसिलिटी है, अंदर खाना खाते हैं, यहाँ पे सब्जी दही वगैरह जो भी सारी चीज़ें मिलती हैं, शुद्ध शाकाहारी होटल है। तो ये खाना खा के यहाँ पे बाइकें खड़ी हैं अपनी, उसके बाद आगे निकलेंगे। ये भाई खाना खाने के लिए हमने प्लेटें लगवा ली हैं, आपको दिखाते हैं कुछ। दही चूरमा, दाल, मौसम थोड़ा गर्म हो गया ना, सवेरे ठंडा मौसम सी, वधिया खिंच के ले आए थे, हुण मौसम थोड़ा गर्म हो गया।